पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिम मुस्तकीम। अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने सर के बल औंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चला हो। यह भी सूरह मुल्क ही की आयत है, आयत नंबर 22, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बता रहे हैं कि एक शख्स जो मुंह के बल औंधा होकर के ज़मीन पर चलता है, तो क्या जिसको ना दाएं ना बाएं कुछ नज़र नहीं आता, ना आगे वो सही से देख पाता है, ना पीछे देख पाता है, ना जो है ठोकरों से महफूज रह पाता है, तो क्या ऐसा शख्स अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता है? हरगिज़ नहीं पहुँच सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बताया कि एक आदमी जो दुनिया में मासियतों का काम करे, गुनाहों का काम करे, बुराइयां करे, और फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को पाने की ख्वाहिश करे, क्या ऐसा शख्स जन्नत को पा सकता है? हरगिज़ नहीं पा सकता। हाँ, उसी के मुकाबले में वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियतों से, गुनाहों से बचता है, जिसके अंदर कोई कजी ना हो, कोई इन्हराफ ना हो, उसको आगे पीछे दाएं बाएं सब नज़र आ रहा हो, ऐसा शख्स मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। यानी वो शख्स जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का रास्ता इख्तियार करेगा, आखिरत पर ईमान रखेगा, तो ऐसा शख्स आखिरत में कामयाब होगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि यह आयत मोमिनों और काफिरों के बारे में है। यानी काफिर लोग ऐसे हैं कि जिनको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आता, बस वो जहन्नम की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और मोमिनीन ऐसे हैं जो सीधे राह पर है, जो सही रास्ते पर है, और वो जन्नत की राह पर गामजन है, और वो अपने मंजिल मकसूद को पा लेंगे, यानी वो जन्नत को हासिल कर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें दोनों किस्म के लोगों की मिसाल बयान की है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है गुनाह। गुनाह में आज हम बात करेंगे कि तीसरे का बग़ैर दो के सरगोशी करना, यानी मजलिस की जो आदाब होते हैं उसमें से एक जो है अदब के खिलाफ बात यह है कि इंसान लोगों की मौजूदगी में सरगोशी करे। होता है ना, तीन चार लोग बैठे हुए हैं, आपस में दो लोग अलग ज़बान में बात कर रहे हैं, या आपस में दो लोग कानाफूसी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजी रजुलान मिन दूनिल आखर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग तीन हो ना, तो दो आपस में सरगोशी ना करो, हत्ता के तुम लोग खलत मलत हो जाओ, क्योंकि ये बात उसे परेशान करेगी। अब जाहिर सी बात है, तीन लोग बैठे हैं और दो लोग आपस में जो है अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या दोनों आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, तो तीसरे को क्या लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी ज़बान में बात कर रहे हैं जिसको मैं समझ ना पाऊँ। कई मरतबा आपने देखा होगा, या जो है दोनों कानाफूसी कर रहे हैं तो तीसरे वाले को यह शक होगा कि ये लोग शायद मेरे ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, वो इसकी वजह से अपने आप को परेशान करेगा, वो इस वजह से अपने आप को गम में मुबतला करेगा, इसी तरह से वो अपने आप की तहकीर करेगा, यानी वो अपने आप को हकीर समझेगा, यानी वो लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है। यानी इस तरह की सरगोशी से शरीयत ने मना किया है कि आप कभी भी याद रखो, तीन लोग हो या उसमें चौथा, जैसे तीन लोग हो तो दो आपस में सरगोशी ना करो, इसी तरह अगर चार लोग हो तो तीन आपस में सरगोशी ना करो चौथे को छोड़ करके। लिहाजा इससे जो है मामलात ख़राब होते हैं, इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। हाँ, अगर सरगोशी करने की इजाज़त शरीयत ने दी है ना, तो वो इस वजह से दी है। अल्लाह ताला ने कहा, ला खैरा फी कसीर मिन नजवा इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन अव मारूफिन अव इस्लाहिन बैन अन्नास, कि अल्लाह ताला ने कहा कि सरगोशी करना ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई सरगोशी करता है, आपस में बैठ करके आप लोग बातें करते हैं सदका के ताल्लुक से, कि फ़लाँ हमारा भाई परेशान है, तकलीफ़ में है, चार लोग मस्जिद में बैठे हैं, चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारा फ़लाँ भाई तकलीफ़ में है, परेशानी में है, हमें उसको सदका करना चाहिए, या किसी खैर के काम की तरफ, कि कोई अच्छा काम करने का आप लोग इरादा कर रहे हैं, या इस्लाहिम बैनन्नास अल्लाह ताला ने कहा, या लोगों के दरमियान में सुलह का काम कर रहे हैं, आपको पता चला फ़लाँ दो भाई के दरमियान में झगड़ा हो गया है, आप लोग बैठ करके मजलिस जमा करके आप लोग बैठ करके ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ भाइयों में इख्तिलाफ़ हो गया है, उनके दरमियान में झगड़ा हो गया है, हमें जाकर के उनको सुलह करवाना चाहिए, हमें जाकर के उन दोनों के मामलात को निपटाना चाहिए, उन दोनों को जो दूर हो गए हैं उन दोनों को नज़दीक करना चाहिए। लिहाजा इस तरह की सरगोशी जायज़ है, वरना आप लोग तीन लोग बैठे हैं, दो आपस में बात कर रहे हैं तीसरे को छोड़ करके, तो याद रखिए इस तरह की सरगोशी करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मना किया है, क्योंकि ये गुनाह है, और उस तीसरे शख्स को परेशानी में, तकलीफ में, गम में मुबतला करने का ये जरिया होगा। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि इस तरह की सरगोशियों से मैं और आप महफूज रहें,
اور جو ہے خیر کے کام انجام دے، سرگوشی کریں تو بھی خیر کے لیے کریں، یا تو صدقہ کے لیے کریں، یا تو کسی خیر کے کام کے لیے، نیکی کے لیے کریں، یا لوگوں کے درمیان میں انصاف کے لیے کریں، ان کے درمیان میں اصلاح کے لیے کریں، تبھی ہمارا سرگوشی کرنا یہ جائز اور صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں।